हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मोहन राजवाड़े। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कल मार्केट का ओपनिंग कहाँ हो सकता है और कौन से लेवल हम ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ साथ स्टॉक के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट और ये चार्ट डेली का है। कल जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किए थे फ्रेंड्स कि आज मार्केट साइडवेज में ज़्यादा ट्रेड कर सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा था मेरा, ओके। और अभी मैं लगातार आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ वैल्यूएबल कंटेंट शेयर कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी 2-3 दिन का वीडियो को रिपीट करके एक बार आप जरूर देख लीजिए, और जो चीज़ें मैंने शेयर किए हैं इसे आप डायरी पर नोट कर लीजिए। जब भी फ्यूचर में इस टाइप का सेटअप मिलेगा, आप सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे, आप अपोजिट डायरेक्शन में या फिर रॉन्ग ट्रेड नहीं कर पाएंगे। देखिए, आप ट्रेड कर पाए वहां या ट्रेड नहीं कर पाए, आपका ट्रेड बना ट्रेड नहीं बना, एसएल लग गया, ये डजंट मैटर, लेकिन सिचुएशन को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मार्केट का लॉजिक समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बाद आप ट्रेड बनाते हैं नहीं बनाते वो मैटर अलग है, राइट। चलिए, जैसे मैंने यहाँ पर शेयर किया था फ्रेंड्स कि मार्केट में थोड़ा रिकवरी आ सकता है, ये कंटिन्यू में शॉर्ट नहीं होगा, ओके। बहुत लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए कि मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन आपने देखा क्या हुआ। कल मैंने शेयर किया था कि आज मार्केट साइडवेज हो सकता है, मैं शॉर्ट करूंगा अभी तो इसमें छोटे क्वांटिटी करूंगा, आपको भी करना चाहिए छोटे क्वांटिटी में, राइट। मार्केट साइडवेज हो सकता है, ऐसा रहा तो लगभग मार्केट सेम जैसे ट्रेड किया। कल क्या हो सकता है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट मैं शेयर करता हूं आप लोगों को और, राइट। देखिए, बैंक निफ्टी में भी कैंडल पूरा साइडवेज रहा, कल है वीकली एक्सपायरी, तो एक बड़ा मोमेंट हम लोग कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आता है तो एक बड़ा मोमेंट हमें देखने को मिलेगा। दूसरा, ये है निफ्टी का चार्ट, निफ्टी भी पूरा दिन साइडवेज रहा और निफ्टी तो पहले 5 मिनट के अंदर ही रहा। अगर आप पहले 5 मिनट कैंडल को देखिए, ये मॉर्निंग का पहले 5 मिनट कैंडल का हाई है, राइट। इसी कैंडल के हाई के आसपास गया, फिर शॉर्ट हो गया, राइट। ये कैंडल का लो है, लगभग पूरा दिन इसी रेंज में ट्रेड किया। हाँ, हम गलत कहाँ हुए हैं, हम गलत नो डाउट हुए हैं। मैंने कल शेयर किया था कि स्ट्रेंगल आप बना सकते हैं, ऊपर नीचे कॉल पुट सेल कर सकते हैं, राइट। मैं थोड़ा सा ओटीएम कॉल सेल करके गया था, तो मॉर्निंग में ओपनिंग में ही प्रॉफिट मिल गया, फिर मैंने उसे स्ट्रेंगल बना दिया, थोड़ा प्रॉफिट आ गया, लेकिन मॉर्निंग में जो हम लोगों ने स्ट्रेंगल बनाया इसमें कोई प्रॉफिट नहीं मिला, कोई डीके नहीं मिला, बल्कि उसमें लॉस हो गया। इसका भी रीजन बताता हूँ। देखिए, जब आप ऑप्शन सेल करते हैं या ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो दो बात ध्यान रखिए कि आईवी क्या हो रहा है, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये प्लस हो रहा है या फिर ये डिक्रीज हो रहा है। अगर ऑप्शन बायर है तो ए होना चाहिए और ऑप्शन सेलर है तो ए होना चाहिए, लेकिन आज लगातार ए, चूंकि हम लोग ऑप्शन सेलर हैं, राइट, हम ऑप्शन सेल करते हैं, आज लगातार आईवी इंक्रीज होता रहा। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा पॉइंट, इसे आप ध्यान रखिए। देखिए, इसे मैं सेंसिबल से चेक करता हूँ, सेंसिबल को फॉलो करता हूँ मैं, राइट। आप भी चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। देखिए, ये है निफ्टी का आईवी, ओके, ये निफ्टी का आईवी है 16 जून का। एक कल क्लोजिंग किया था लगभग 26.5 के आसपास, आज ओपन हुआ 31 में और क्लोजिंग कहाँ किया है 35 प्लस, ओके। तो ऐसे कंडीशन में आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, एक पॉइंट आईवी बढ़ने से, ठीक है, एक पॉइंट आईवी बढ़ने से एक पीयर में, ठीक है, सिंगल सिंगल कॉल पुट आप सेल कर रहे हैं तो उसमें लगभग 400 से 500 रुपए का लॉस बढ़ जाता है। आप सोचिए इसमें कैसे प्रॉफिट मिलेगा, राइट। यहाँ पर 5 पॉइंट बढ़ गया, इसका मतलब कि यहाँ पर लगभग 1500 से 2000-2500 रुपए तो हमें तो ऐसी लॉस हो गया, जबकि मार्केट सेम जगह में रहा, राइट। अगर यही घटता तो हमारा ये प्रॉफिट में ऐड हो जाता। इसी तरीके से आप देखिए बैंक निफ्टी का, तो ये मेरी गलती नहीं है, ओके, हम गलत हो गए, हम मार्केट में ऐसा हो सकते हैं। देखिए, ये बैंक निफ्टी का कल का क्लोजिंग था, आईबी क्लोजिंग था 31 के आसपास, ओके। इसे ट्रेड करिए आप लोग, राइट, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी ये चार्ट है, इसे आप ट्रेड करिए। इसके बिना ऑप्शन में ट्रेडिंग करना इतना ईजी नहीं है, अगर आप स्ट्रेटजी बना के ट्रेड करते हैं तब, अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। ये मॉर्निंग में ओपन हुआ 35.6 के आसपास और क्लोजिंग कहाँ किया है 5 पॉइंट एक्स्ट्रा ऊपर, तो ऐसे कंडीशन में हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ओके। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ये ऐसा क्यों हुआ ये लॉजिक समझना जरूरी है, क्योंकि आज फेड का आउटकम आएगा, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी करता है उसी तरीके से अमेरिका में फेडरल बैंक करता है, ओके। तो वहां महंगाई 40 साल के हाईएस्ट लेवल पे है, ओके। तो फेड कुछ ना कुछ करेगा, हो सकता है मार्केट इसे फियर में लिया होगा, मार्केट डरा होगा कि कहीं ज्यादा ना बढ़ा दे, इसलिए जो यहाँ पर सेलर है वो ज्यादा प्रीमियम में ऑप्शन सेल करते हैं, राइट। जब कोई डर नहीं रहेगा तो क्या होगा, एआईबी हमेशा कम रहेगा, तो यहाँ पर प्रीमियम बहुत कम रहेगा, ओके। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसके वजह से आईबी आज राइज हुआ है, और ये हो सकता है जब भी इस टाइप का कोई न्यूज आने वाला होता है, ये आईबी से ही पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ मार्केट में हो रहा है, ओके। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। चलिए, अब हम लोग चलते हैं चार्ट में। अच्छा, मैं एक पॉइंट और भी आपको शेयर करना चाहूंगा कि देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से मार्केट लास्ट लास्ट मिनट में यहाँ पर क्लोजिंग आया है, ओके,
और यहाँ पर RSI हो गया है लगभग ओवरसोल्ड के आसपास, हालांकि हुआ नहीं लेकिन हो रहा है, राइट। अब देखिए ये 5 मिनट के कैंडल के अंदर इनसाइड रहा है। अच्छा, ये पॉइंट को तो मैं शेयर करूंगा ही करूंगा, लेकिन आगे एक पॉइंट और शेयर करता हूँ। जैसे कल मैंने बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर आप 5 मिनट के चार्ट में 200 EMA लगा दीजिए। मैंने शेयर किया था कल आप लोगों को कि अभी मार्केट में एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, जब तक इसको टेस्ट नहीं करेगा ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगा नहीं। ओके, तो आप निफ्टी में देखिए, पूरा तो गया नहीं लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पर गया था। ओके, और जब यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा था, मैं वेट कर रहा था कि यहाँ जाएगा मैं शॉर्ट करूंगा, ऊपर गया मैं इस कैंडल में अवॉइड किया, ये चार्ट भी मैंने शेयर किया, फिर मैं एक बार ऊपर जाने दिया। क्यों? कि यहां से एक प्राइस ऊपर जा रहा है, एक नीचे आया, फिर यहाँ ऊपर जाके अब नीचे जाएगा तो मैं शॉर्ट करूंगा। यहाँ मैंने शॉर्ट किया, वापस ये कैंडल जाके मेरा एसएल ले लिया। देखिए लॉजिक हमारा बहुत परफेक्ट था, मार्केट वापस आया लेकिन हमारा एसएल लेके आया। ये कोई बात नहीं, मार्केट में आपका हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकता है। हाँ, बिगनर जो होते हैं उनको थोड़ा ये फियर होता है, अरे यार सर तो बताए थे लेकिन उनका एसएल लग गया। मैंने चार्ट भी शेयर किया है, आप लोगों को देखे होंगे मैंने जो पोजीशन बनाया था वो भी शेयर किया था यहाँ पर, राइट। मैंने 220 के आसपास कोई कॉल सेल किया था और 255 का मेरा एसएल था। ये एसएल लगा लगभग 60 के आसपास गया, 260, और नीचे आ गया। मेरा टारगेट था कि 170 या फिर 180 के आसपास जाएगा तो मेरे लिए 1:1 का ट्रेड मिल जाएगा, क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा जगह है नहीं, इतना हमारा प्रॉफिट इनफ हो जाएगा। लेकिन पहले एसएल लिया और यहाँ आसपास आके क्लोजिंग दिया है। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से इसमें हमारा एसएल लगा। बट हमने जो लॉजिक शेयर किए थे कल ही, मैंने बताया था कि इस भाव के आसपास एक बार शॉर्ट करने के बारे में जरूर सोचें। मार्केट आया लेकिन हमारा एसएल लग गया, कोई बात नहीं, जिस दिन ट्रेड मिलेगा हमारे लिए बड़ा ट्रेड मिलेगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इसको मैं आप हाइड करता हूँ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आप एक पॉइंट ध्यान रखिए, ये है इसका, यहाँ से आप ट्रेंड लाइन डाल दीजिए। ओके, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो सकता है, लोअर लेवल से एक ट्रेंड लाइन इधर डाल दीजिए आप, राइट। अब इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, कल है वीकली एक्सपायरी, राइट। एक बड़ा मोमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मॉर्निंग में साइडवेज रहता है। ध्यान रखिए कि अगर ये 11 11:30 के आसपास तक साइडवेज रहता है, फिर अगर ये इधर ब्रेकआउट आता है या फिर इधर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आता है, जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा एक बड़ा ट्रेड की उम्मीद आप कर सकते हैं। एटलीस्ट 300-400 पॉइंट का मोमेंट तो आ सकता है, राइट। अब आपको लग रहा होगा सर कि इधर तो 200 EMA भी आप लोग बताए हैं तो इसका रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, वो मिलेगा, राइट, वो होगा, लेकिन मार्केट यहाँ जाके थोड़ा देर रुकेगा फिर ब्रेकआउट हो जाएगा। तो हमें क्या देखना है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देखना है। देखिए अल्टीमेट आपको ट्रेड करना है वो प्राइस एक्शन में करना है, राइट। जैसे 200 EMA के आसपास गया तो मैंने ईएमए को देख के शॉर्ट नहीं किया, मैं प्राइस एक्शन पैटर्न ढूंढा इसके बाद शॉर्ट किया, ठीक है, हालांकि ऐसे लग गया वो कोई बात नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर यहाँ से ब्रेकआउट होके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऐसे ब्रेक देता है तो हम लोग इसके ऊपर बाइंग कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर होगा 33,500 के आसपास का फिगर, तो इसे ध्यान रखिए आप, 11:30-12:30 के आसपास अगर ब्रेकआउट आता है तो हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, छोटा सा ऐसे रखना पड़ेगा। और हमारे लिए टारगेट, पहला टारगेट इधर आएगा, राइट, मतलब अपर साइड में 33,700, 33,800 के आसपास का हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। ये ट्रेड हमारा अच्छा हो जाएगा अपर साइड ब्रेकआउट आएगा तो, राइट। ऐसा ट्रेड बनाया जा सकता है, फ्यूचर के साथ आप कॉल सेल करके पोजीशन बना सकते हैं या फिर निकट फ्यूचर भी लेके जा सकते हैं। और यहाँ पर आप छोटा मोटा कोई कॉल बाइंग करना चाहें तो 33,600 के आसपास का कॉल भी बाइंग कर सकते हैं, छोटा एसएल बनेगा, राइट, वो ट्रेड भी आपका अच्छा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों की ध्यान देखिए, लोअर साइड में 33,250 के बिलो अगर इसके नीचे प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है हम लोग यहाँ सेल कर सकते हैं। देखिए जब यहाँ से बाइंग करें इसे स्विंग लो का एसएल रखें और ये एसएल आपका 100-120 पॉइंट से ज्यादा बनेगा नहीं, राइट। जैसे आज भी यहाँ पर लगभग 70-80 पॉइंट का एसएल बना था, इसी तरीके से अगर नीचे ब्रेक करेगा तो भी 100-120 पॉइंट से ज्यादा कैसे रखना नहीं पड़ेगा। अगर लोअर साइड ब्रेक डाउन देता है तो पहला टारगेट हमारा 33,000 का होगा और 33,000 के नीचे अगर मार्केट क्लोज कर जाता है 5 मिनट 10 मिनट, वहां फिर अगर कोई प्राइस एक्शन पैटर्न अगेन बनता है तो ट्रेड आपका और कंटिन्यू हो सकता है, मतलब 32,800-700 का भी भाव देख सकते हैं। लेकिन ज्यादा चांस में क्या देख रहा हूँ, ज्यादा चांस में इसमें ब्रेकआउट देख रहा हूँ, राइट। अगर एक गैप अप ओपन हो जाता है तो शायद हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा प्राइस एक्शन पैटर्न बनने का, या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो भी हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ध्यान रखिए कि कल का लो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो, राइट। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट लोअर लेवल से एक रिकवरी दिखा सकता है, प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा तो हम लोग बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, राइट। ये हुआ दोस्तों आपका बैंक निफ्टी का। अब चलिए चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में देखिए
थोड़ा निफ्टी में रिट्रेसमेंट कम आया आज। ओके, अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट आ जाता तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा हो जाता, राइट। यहाँ हम लोग इसी लेवल के आसपास प्राइस सेक्शन पैटर्न बनने का वेट करेंगे, इसी लेवल के आसपास ऐसे प्राइस सेक्शन पैटर्न बनने का वेट जरूर करिएगा। एक ट्रेंड लाइन और यहाँ से आएगा, राइट, ऐसे ब्रेकआउट आने के लिए। तो 15,750 या 15,800 के आसपास, ठीक है, इस आसपास अगर अच्छा प्राइस सेक्शन पैटर्न बनता है तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं। और ये ट्रेड हमारे लिए अपर साइड में 15,900 के आसपास का होना चाहिए, तो एक बढ़िया ट्रेड हमारे लिए हो सकता है। अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा तो हमारे लिए ट्रेड बनेगा नहीं, लेकिन आप ध्यान रखें कि इसी बॉटम के आसपास क्लोज किया है, अगर मॉर्निंग में ऊपर की तरफ रहता है और नीचे आके ब्रेक डाउन देता है तो हमारे ट्रेड डाउन साइड भी अच्छा बनेगा। तो 15,650 के बिलो आप ट्रेड के बारे में सोचिए, प्राइस सेक्शन पैटर्न बनेगा तो, राइट, 30-40 पॉइंट बोथ साइड, इससे ज्यादा एसएल रखना नहीं पड़ेगा। अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो भी और ब्रेक डाउन हो रहा है तो भी ट्रेड हमारे लिए लोअर साइड जाएगा, तो 15,500 के आसपास का ही भाव दिखा देगा, क्योंकि यहाँ आसपास फिर कोई सपोर्ट है नहीं। एक बड़ा गिरावट आप कल उम्मीद कर सकते हैं अगर ये नीचे जाता है तो, और ब्रेकआउट आता है तो 15,900 ज्यादा ज्यादा 16,000 के आसपास। मार्केट ऊपर जाके फिर कोई प्राइस सेक्शन पैटर्न बनाएगा तभी वो कंटिन्यू हो सकता है, अदरवाइज यहाँ से फिर से शॉर्ट बाजार हो सकता है। तो इसे थोड़ा वेट करें, प्राइस सेशन पैटर्न बनेगा तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। लेकिन जो भी प्राइस सेशन पैटर्न देखें 11, 11:30 बजे के आसपास या इसके बाद, उससे पहले आप मत सोचिएगा, राइट। मुझे लगता है इसके बाद जो प्राइस सेशन पैटर्न बनेगा वो ट्रेड हमारा ज्यादा अच्छा हो सकता है, राइट। तो फ्रेंड्स ये है आपका निफ्टी बाय निफ्टी का। अब चलिए चलते हैं स्टॉक जिसमें हम लोग कल ट्रेड कर सकते हैं। देखिए दो तीन स्टॉक मैंने सेलेक्ट करके रखे हैं, और पहला स्टॉक है कोटक बैंक। देखिए 2-3 दिन से एक जगह में एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, अगर ये 1720 के बिलो जाता है तो शॉर्ट हो जाएगा, लोअर साइड में आपको ये 20-25 पॉइंट का ट्रेड दे सकता है। लेकिन अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड में भी ये आपको 25-30 पॉइंट का ट्रेड देके जा सकता है। 5 मिनट के चार्ट में आ जाए तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर ट्रेड कैसे कर सकते हैं, राइट। देखिए इस पॉइंट के ऊपर ही हम लोग इसमें बाइंग करने के बारे में सोचेंगे। एक 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग चाहिए 1745 के ऊपर, 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग चाहिए। अगर इसके ऊपर ऐसे ब्रेकआउट आता है तो आसपास में रुकेगा नहीं, ये ट्रेड बहुत बड़ा हो सकता है। तो अपर साइड में टारगेट आपके लिए 1780 के आसपास हो सकता है, और इसका लॉजिक शेयर करता हूँ, आप ध्यान दीजिए। मैं इस पॉइंट को क्यों बोल रहा हूँ आप ध्यान दो, इधर ये यहाँ पर 200 EMA भी है, यहाँ पर थोड़ा देर रुकेगा, इसके बाद ब्रेकआउट आएगा ना तो ट्रेड आपका बड़ा होगा, ओके, ध्यान रखिए। तो ये होगा दोस्तों आपका कोटक बैंक का। चलिए आगे लेके चलता हूं मैं आपके लिए HDFC लिमिटेड, इसे भी ध्यान रखिए, राइट। और इसका भी लॉजिक देखिए, ये भी आसपास में है, राइट, मतलब 200 EMA है। मॉर्निंग में वैसे भी जैसे ओपन होगा ऑलरेडी एक टेस्ट हो जाएगा, राइट, मतलब 200 EMA नीचे आ जाएगा टाइम स्पेंड करके, ओके। तो अगर ब्रेकआउट आएगा तो इसमें हम लोग बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, लोअर लेवल से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इधर अपर साइड में ब्रेकआउट आएगा हम लोग बाइंग करके जा सकते हैं। देखिए अच्छा प्राइस सेक्शन पैटर्न इधर से बना हुआ है कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाने के लिए, ये ऐसे हो सकता है, और ये भी ट्रेड बड़ा है तो मैं इसमें थोड़ा बड़ा ही ट्रेड देख रहा हूं। अगर ऊपर जाएगा तो हम लोग इसमें बाइंग करके जा सकते हैं, 2170 की तरफ, 60 की तरफ पे जा सकता है इजीली, राइट। तो हम लोग इसे बाइंग कर सकते हैं इसी रेंज के आसपास, 2120 के आसपास हम लोग इसे बाइंग करेंगे, राइट। यहाँ पर कोई अच्छा प्राइस सेशन पैटर्न हमारे लिए बनना चाहिए, इसके बाद ही ट्रेड करेंगे। और अच्छा सेटअप रहा तो मॉर्निंग में आपको मैं शेयर कर दूंगा चार्ट, ट्रेड हमारे लिए अच्छा हो सकता है। स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा हमारे लिए 2105 का, ओके। इस स्टॉप लॉस के साथ 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड हमारे लिए बड़ा हो सकता है, आपके लिए 30-35 पॉइंट का ट्रेड आपको इजी मिल सकता है। तो नजर रखिए ब्रेकआउट आएगा आप इसे बाइंग करके जा सकते हैं कल के दिन पे। दोस्तों एक स्टॉक और है, ये है कोलपार्क, इसे भी ध्यान रखिए। देखिए बहुत सारे स्टॉक, मैं आप लोगों की स्पेशली एक सीमेंट सेक्टर के ऊपर बोलूंगा फोकस करने के लिए, राइट। ये स्टॉक ऐसे दिख रहे हैं जो सीमेंट सेक्टर में है, कोई भी स्टॉक और नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है, राइट। लगभग एक्सट्रीम ओवरसोल्ड के आसपास है, इस सेक्टर में थोड़ा सा बाउंस आने की चांस है। और वैसे भी देखेंगे तो और भी बहुत सारे स्टॉक हैं जो हाईब्रिड स्टॉक नजर आ रहे हैं, उनमें भी थोड़ा सा लोअर लेवल से बाउंस आते हुए मुझे नजर आ रहा है, ज्यादा गिरावट का चांस अभी तो नहीं दिख रहा है। ये कुछ हाल आना चाहिए फिर जो शॉर्ट होगा वो ट्रेड हमारे लिए अच्छा हो सकता है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए शॉर्ट करने में, लेकिन अगर नीचे जाएगा हम शॉर्ट करेंगे, राइट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3-4-5 दिन से लगातार एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, एक ब्रेकआउट की उम्मीद मैं इसमें देख रहा हूँ, अगर होगा तो हमारे लिए ट्रेड अच्छा हो सकता है। ब्रेकआउट आएगा बाइंग करके जाएंगे, एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से आप ड्रॉ करके लाइए इस लेवल तक, ठीक है। इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आएगा आप बाइंग करके जा सकते हैं, यहाँ पर मैं इसमें अलर्ट डाल देता हूँ, अगर ब्रेकआउट आएगा तो हमें अलार्म मिल जाएगा, राइट। हम लोग इसके ऊपर बाइंग करेंगे, इस पॉइंट का स्विंग लो का हम लोग ऐसे रखेंगे, मतलब 1512 के आसपास कैसे,
1521, 20 के, 22 के ऊपर बाइंग करेंगे, एक 5 मीटर कैंडल हमारे इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, इसके बाद ट्रेड करेंगे। हमारे लिए ट्रेड इधर का टारगेट होना चाहिए, मतलब 1535 से लेके 1550 के आसपास का ट्रेड हमारे लिए मिल सकता है। मुझे लग रहा है एक ट्रेड अच्छा आना चाहिए कल के दिन पे, अगर ब्रेकआउट आता है तो बाइंग करके जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये दो स्टॉक मैंने शॉर्ट की तरफ प्रीफर किया है। देखिए अगर मार्केट नेगेटिव होता है तो मुझे लग रहा है इनमें शॉर्ट का ट्रेड हमें मिल सकता है, अच्छे जगह में क्लोजिंग की है, बस इस लो के नीचे जाने पर हम लोग इसमें शॉर्ट का ट्रेड देख सकते हैं, इधर इधर आना चाहिए इन स्टॉक्स को। ठीक है, ये है पावर ग्रिड, तो नजर रखिए अगर ब्रेक डाउन देगा तो कल हम लोग इसमें शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हैं। सेल कैसे करेंगे फ्रेंड, देखिए 15 मिनट के चार्ट लाता हूँ ताकि कैंडल ज्यादा दिखेंगे, राइट। इस पॉइंट के बिलो हमें 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग चाहिए, 220 के बिलो क्लोजिंग चाहिए 5 मिनट का कैंडल, राइट। इस स्विंग हाई का एसएल रखेंगे 223 का एसएल, 3 रुपए का एसएल, थोड़ा एसएल बड़ा जरूर लग रहा है लेकिन ट्रेड हमारे लिए बड़ा है डाउन साइड में, तो 215 214 के आसपास का ट्रेड आपको इसमें देखने को मिल सकता है, अगर ब्रेक डाउन देगा शॉर्ट करके जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है आईटीसी, इसे भी ध्यान रखिए, राइट। देखिए प्राइस एक्शन पैटर्न इसमें अच्छा बन रहा है, मोमेंट आया कंटिन्यू में, फिर एक रिट्रेसमेंट लिया, अब यहाँ से फिर से नीचे जा रहा है, राइट। देखिए हर जगह से इसमें प्राइस एक्शन पैटर्न अच्छा बन रहा है, तो डाउन साइड में इधर कहीं मुझे नजर आ रहा है 250 255 की तरफ आने वाले दिनों में दिखा सकता है। कल मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा तो भले ही नहीं गिरेगा, लेकिन इसे शॉर्ट कैसे करेंगे ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, मैं हमेशा इसके ऊपर शेयर किया हूँ आप लोगों की, इमीडिएटली कंटिन्यू में शॉर्ट नहीं होगा क्योंकि ओवरसोल्ड है, राइट। मार्केट इसी वे में कंटिन्यू नहीं जाएगा, यहाँ से पहले ऊपर जाएगा, राइट, या ऊपर डायरेक्टली खुले तो 264 या 265 के आसपास सेल होगा, तो हमारे लिए अच्छा पैटर्न बन सकता है। यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बन जाए या फिर यहाँ पर कोई रेड कैंडल बन जाए 5 मिनट 15 मिनट कैंडल में, तो हम लोग सेल कर सकते हैं। अगेन हमारा टारगेट 260 के आसपास होना चाहिए, 260 के नीचे क्लोज करेगा तो ये पोजिशनल में हमारे लिए 255 250 का ट्रेड ये दिखा सकता है, राइट। और इधर आपका 2-3 रुपए का सेल बनेगा, ट्रेड हमारे लिए अच्छा हो सकता है लेकिन थोड़ा पहले ऊपर जाने दीजिएगा, इसके बाद शॉर्ट करेगा तो ट्रेड हमारा अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में ही तक, आई होप वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।